दोस्तों, आज हम एक और बिजनेस आइडिया को जानेंगे जिसमें कि जबरदस्त कमाई होती है और 2023 में यह बिजनेस करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, इस बिजनेस की बहुत ही जबरदस्त डिमांड है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही जबरदस्त होता है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं चलता है और यही कारण है कि इसकी डिमांड हर जगह होती है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही बड़ा मार्केट है। यहाँ पर 21% मार्केट शेयर ब्रांडेड कंपनियों का है, 38% मार्केट शेयर मीडियम साइज के ब्रांडेड कंपनी का है और 41% मार्केट शेयर नॉन ब्रांडेड कंपनी का है। यानी कि ज्यादातर लोग लोकल स्विच बोर्ड ही खरीदते हैं और इसी मार्केट को हम टारगेट करेंगे। यानी कि अगर आप स्विच बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने शहर में, तो आप अपने शहर के साथ साथ अपने आसपास के शहरों में भी अपना सेल्स नेटवर्क बना सकते हैं और वहां की मार्केट को आप पकड़ सकते हैं। स्विच बोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग में मुख्यतः 4 प्रकार के रॉ मटेरियल्स का यूज होता है। पहला हो गया प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, दूसरा हो गया ब्रास और आयरन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तीसरा हो गया कॉरिगेटेड बॉक्स और चौथा हो गया पॉलीफिल्म्स। वहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन की जरूरत पड़ती है और इसके साथ आपको डाइस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको स्विच को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग मशीन की जरूरत पड़ती है और इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको अलग अलग साइज के और अलग अलग टाइप्स के डाई चाहिए, जिसे कि आप इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन में लगाते हैं और इंजेक्शन मॉडलिंग के हॉपर में आपको प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स डालना पड़ता है, जिनकी सहायता से आप यह स्विच तैयार करते हैं और उसके बाद इसमें ब्रास और लोहे के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सेट किया जाता है। यह काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं या इसके लिए आप एक अलग से असेंबलिंग मशीन भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे मैनुअली अपने हाथों से भी असेंबल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बेस प्लेट, फ्रंट प्लेट, स्विच सॉकेट को जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है और बस आपका यह स्विच रेडी हो गया। इसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग आप मैनुअली भी कर सकते हैं या टेस्टिंग के लिए भी आप एक मशीन ले सकते हैं अगर आप लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और टेस्टिंग होने के बाद आप इसे पैकिंग के लिए भेजते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी मंदा नहीं पड़ता है। यानी कि शहर बड़ा हो या छोटा हो, हर जगह लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। इस बिजनेस को आप 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर कि आपका मशीन लगता है और वहीं पे आप रॉ मटेरियल्स भी रख सकते हैं और तैयार सामान भी रख सकते हैं। इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन की जो कीमत होती है वह 5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, जो 15 लाख रुपए तक जाती है, जो कि इसके क्वालिटी और कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। वहीं अगर आप एक असेंबलिंग मशीन भी लेते हैं तो उसकी कीमत 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में होती है। आप चाहें तो असेंबलिंग का काम अपने हाथों से भी कर सकते हैं। इनके अलावा आपको रॉ मटेरियल्स पे खर्चा आएगा और लेबर्स पे खर्चा आएगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक मिनिमम जो कैपिटल होना चाहिए वह करीब 15 लाख का होना चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस में आपकी प्रॉफिट मार्जिन एज ए मैन्युफैक्चरर होलसेल मार्केट में 25 से 30% की होती है। वहीं जब यह माल डायरेक्ट बाजार में सेल होता है तो वहां पर आपकी प्रॉफिट मार्जिन 50% से भी ज्यादा की होगी। यह एक बहुत ही सेल्स ड्रिवन बिजनेस है, तो इस बिजनेस में आपको सेल्स पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। यानी कि इस बिजनेस में आपको कम से कम 2 सेल्समैन चाहिए ही चाहिए, जिनको कि इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 5 ईयर का। अच्छे सेल्स पर्सन को हायर करने के लिए आप naukri.com पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ एड दे सकते हैं या फिर आप किसी HR एजेंसी को डायरेक्ट हायर कर सकते हैं और वह आपका सेल्स टीम अच्छे से बना देगी। दोस्तों, इस बिजनेस के लिए आप भारत सरकार की तरफ से दी जाने वाली बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, जैसे कि मुद्रा लोन हो गया, MSME लोन हो गया। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको BIS का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको NOC चाहिए फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन बोर्ड का, आपको GST सर्टिफिकेट चाहिए और आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के दे देगा, तो इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आई होप कि यह बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।